हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग एकदम ठीक ठाक। और यहाँ पे दिन की शुरुआत करते हैं विकी के साथ बात करते हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग होता नहीं है, तो ये आपने कैसे किया। तो ये मैंने एज अ स्क्रीन सेवर के उसमें जो है वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होती नहीं है। और अगर होती भी तो भी मैं यहाँ पर आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो पर्सनली आप बात करते हो। बट हाँ, यहाँ पर मैं विकी से बात कर रही हूँ। और अभी आएंगी अनुष्का की दादी। सुबह मेरी ड्यूटी थी, तो ड्यूटी जाने से पहले मैंने सोचा एक बार बात करवा देते हैं, फिर उसके बाद जो है बात हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी विक्की से और उनसे पूछ रही थी कि उनका दिल्ली आने का प्रोग्राम कैसे है, कब वो आएंगे और किस दिन हमसे मिलेंगे। तो विक्की ने बोला कि मैं आज ही के दिन आ जाऊँगा, ऑफिस है, ऑफिस के बाद मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा और टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ। तो बस वही वही चीज़ें डिसाइड कर रहे थे। और बस अभी मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए, रेडी मैं हो चुकी हूँ। ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के बिल्कुल कोने में, तो यहाँ पे मैंने पहनी हुई आज अपनी रेड कलर वाली यूनिफॉर्म, तो वही पहनी हुई है। एक ब्लू है और एक मेरे पास रेड है, तो आज रेड वाली पहनी हुई है। और अभी मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे निकल चुकी हूँ मैं ड्यूटी के लिए। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर जगह जो है 26 जनवरी आ रही है, तो उसकी जो है हर जगह फीलिंग दिख रही है आप लोगों को। जगह जगह झंडे मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ये है मेरा वार्ड और मैं पहली बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं सकती, हॉस्पिटल है तो मैं ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग करना भी नहीं चाहती थी वहाँ पे। लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए। थोड़ा सा एक वो अंदर फीलिंग आती है ना देशभक्ति वाली, तो अच्छा लगता है ऐसा देख के ना। चीज़ें डेकोरेट हो रखी हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी। डेकोरेशन जो की थी वो हमारे नाइट स्टाफ ने की हुई है, तो बहुत एफर्ट लिए हुए हैं और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। ये सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी दूसरा पोर्शन भी है जहाँ पे डेकोरेशन हो रखी थी, वो मैं आपको। एक फैंटा और एक आइस क्रीम कॉम्बो कर दो। बस मेरी 2 बर्गर है, 1 आइस क्रीम, 1 लास्ट फ्राइज, 1 लास्ट फैंटा और मैंने केचप चार नॉर्मल है। पेरी 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 नॉर्मल आधे घंटे कब है मेरे पास भी मेरा मन कर रहा था। क्या जी? अच्छा, मजे। चीयर्स। किसको ये मैं? तो यहाँ पे मैं और दिव्या आए हुए हैं मैकडे कुछ खाने पीने के लिए। जब मेरी दिव्या आती थी, हम तीनों चारों की ड्यूटी साथ में होती है। शर्मिला भी छुट्टी पे चल रही है, तो हम तीनों की ड्यूटी जब साथ में होती है तो हम लोगों का प्लान होता है हम कुछ ना कुछ जाके खाएंगे पिएंगे। तो यहाँ पे हम बस मैं और दिव्या आज मॉर्निंग ड्यूटी में थे, तो हम लोग निकल गए और खाने पीने के लिए आए। इससे पहले आपने जो क्लिप देखी है ना, जिसमें मैकडे का जो एम्प्लॉय है वो आता है और आके जो है आइस टी चेंज कर रहा है। अब वो आइस टी क्यों चेंज करे उसने, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसने पहले हमें एक आइस टी दी। आइस टी देने के बाद जैसे हम अपने टेबल पर आए, वापस आए वो आया और आके हमारी आइस टी लेके चला गया। अब हमें लगा यार ये आइस टी लेके क्यों चला गया। उसने कहा मैम चेंज करके ला रहा हूँ, तो हमें लगा शायद कुछ गिर गया होगा। लेकिन उसने बताया कि मैम इसमें ना सिर्फ पानी पानी आया है, टी का फ्लेवर नहीं आया, मशीन में कुछ गड़बड़ थी तो इसलिए उसने चेंज कर दी थी। यहाँ पर फिर वो दोबारा अपने आप से चेंज करके लाया, तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि उन लोगों ने खुद से एफर्ट लिया इस चीज़ को लेके। पापा दिखाओ, पापा दिखाओ, पापा कहें, पापा कहें, पापा कहें, देखो मम्मा ने क्या बनाया। पापा देखो ये है, पियू के न्यू न्यू पापा दिखाओ, ये है पियू के, पाई कर दो, पाई कर दो पापा को। ओह ये है पियू के न्यू न्यू पापा, पापा पापा का नाम क्या है? बुको। हाँ पापा का नाम क्या है? बुको। पियू के हाथ तोड़ दिए इसने। आपके पापा का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? तो
चोट लग गई। आपके पापा का नाम क्या? तो चलिए करते हैं हम शाम के खाने की तैयारी। और शाम के खाने में आज बनने वाली है आलू और स्प्रिंग अनियन की सब्जी। आलू जो है वो पहले फ्राई कर लिए थे और ये हैं स्प्रिंग अनियन। अब स्प्रिंग अनियन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, बता देती हूँ मैं। नीचे वाइट वाइट होते हैं और ऊपर से ग्रीन उसका काफ़ी लंबा सा स्टेम होता है, जो आपने शायद नूडल्स वगैरह के ऊपर भी खाया होगा, डला रहता है ग्रीन कलर का, उसे स्प्रिंग अनियन कहते हैं। और यहाँ पर उसी के लिए ग्रेवी जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो तड़का इसमें सिर्फ प्याज टमाटर का लगता है, प्याज का नहीं लगता, क्योंकि स्प्रिंग अनियन ऑलरेडी एक अनियन है तो उसमें प्याज का तड़का लगाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे जीरा उसके अंदर डाला है, टमाटर, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया डाल के उसको अच्छे से जो है उसका तड़का बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डाले हैं हमने स्प्रिंग अनियन और इसको कवर करके रख देंगे और इसको पकाएंगे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। इसको बस पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कवर करके रख देंगे, स्टीम में बहुत अच्छे से अपने आप में पक जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आलू जो फ्राई किए थे वो डालेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मतलब हार्डली कुल मिला के लगा के चलिए 15 से 20 मिनट में सब्जी जो है वो रेडी हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, थोड़ा सा जो चाइनीज़ फ्लेवर आता है ना वैसा है। यहाँ पे आप अगर इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो यहाँ पे आप सोया सॉस या विनेगर डाल के भी इसको थोड़ा चाइनीज़ टेस्ट दे सकते हो। और बस बन गया हमारा खाना। अब मैं दिखा देती हूँ, ये है हमारी सब्जी, साइड में है हमारी मिर्च और रोटी और साथ में है लस्सी जो विकी गाँव से लेकर आए हुए थे और गुड़। प्लीज़ अपनी डाइट में गुड़ ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। कभी आराम से मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊँगी कि गुड़ खाने के क्या क्या बेनिफिट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये भी बताना कि आपको मेरा हॉस्पिटल कैसा लगा, पहली बार मैंने आप लोगों को दिखाया।